अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जहां साधु संतों कई हिंदू संगठन लगातार आंदोलन करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बुंदेलखंड के बांदा में राम मंदिर न बनने से दुखी बुजुर्ग दंपत्ति ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। बांदा निवासी हीरा लाल त्रिपाठी और उनकी पत्नी राम किशोरी ने राम मंदिर न बनने को लेकर मकर संक्रांति के दिन अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी, लेकिन जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुछ हिंदू संगठनों ने उन्हें जेल भेजने का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्यवाही पूरी की। जेल भेजने जाने के बाद दोनों दंपत्ति जेल में भूख हड़ताल पर है। मंदिर बनने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया था कि अगर 15 जनवरी तक राम मंदिर का बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं किया गया तो हम आगामी 15 जनवरी को आत्मदाह सरयू तट के किनारे करेंगे। उसी उद्देश्य से पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया। जेल के अंदर हम जब तक गिरफ्तारी में रहेंगे तब तक हम भूख हड़ताल में रहेंगे। अयोध्या में धर्मसभा हुई थी BHP की, उसमें इन्होंने घोषणा की थी कि अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता या राम मंदिर का निर्माण का कार्य नहीं शुरू होता है तो 15 जनवरी को हम लोग आत्मदाह कर देंगे। आज ये गांव से निकल रहे थे अयोध्या जाने के लिए तो किरवा थाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और नरेनी में चलान और वारंट करके इनको जिला कारागार लाया गया है। हीरा लाल नामक व्यक्ति हैं, उनके और उनके पत्नी द्वारा बार बार ये लिख के दिया गया था, धमकी दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि अगर 15 तारीख तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे दोनों लोग, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा शर्ती आत्मदाह करें। ऐसी स्थिति में शांति भंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया और उनके द्वारा 25 तारीख तक के लिए उनको जेल भेज दिया गया।